सो हेलो, व्हाट इज़ अप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि कैसे एक गार्डियन फार्म बनाते हैं, वो भी माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में। सो बिना देरी करते हुए, और ये देखो अभी से ही गार्डियंस सारे एक्वाटिक जितना भी हैं, मतलब वही क्या बोलते हैं उसको, अरे वो जो देते हैं यार इंक सैक, वो लोग को मारना भी शुरू करते हैं। सो ओके गाइस, ज़्यादा देर ना लेते हुए और कम बकवास करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। सो ओके गाइस, जैसा कि आप सभी लोग मेरे हॉट बार पे देख सकते हो, हमें यही सब आइटम का ज़रूरत है और अपना एक फार्म बनाने के लिए। सो लेट्स गो, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बनाते हैं। सो पहली बात, मैं इसे एक प्लेटफॉर्म बना दिया था, सो इसको सारा तोड़ देते हैं। ओके गाइस, सो अपने को एक ओशन मॉन्यूमेंट ढूंढ लेना है, डीप ओशन में जो भी होता है ऑब्वियसली। और उसके बाद हमको यहाँ पे इस जगह पे एक एक स्टोन लगा देना है। ज़रूरी है कि स्मूथ स्टोन लगाना है, मतलब ये स्टोन लगाना है, आप यहाँ पे कॉबल स्टोन भी लगा सकते हैं। और एक चीज़ करना गाइस, ये सब जितना ब्लॉक्स है ये सबको तोड़ देना, इस सब का कोई काम नहीं, और जितना हो सके इस एरिया को क्लीन कर देना, सब कुछ यहाँ से हटा देना है कुछ इस तरीके से। और फिर ये सब आप सभी को क्लियर कर देना है। सो ओके गाइस, पूरा का पूरा साफ हो चुका है। अरे यार इधर भी थोड़ा सा रह गया, कोई नहीं। सो ओके गाइस, पूरा का पूरा साफ हो चुका है। उसके बाद आप सभी लोग उनको ऑब्सीडियन लेना है और यहाँ चारों तरफ एक एक पोर्टल बना लेना है कुछ इस तरीके से। उस स्टोन से लेके सारे स्टोन को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर लेना है ऑब्सीडियन से। उसके बाद इस स्टोन से चार ब्लॉक के हाइट पे ले जाना है अपने ऑब्सीडियन को, 1, 2, 3 एंड 4, वैसे ही चारों साइड पे कर लेना है। कुछ इस तरीके से। सो ओके गाइस, अब ये बनने के बाद उसके बाद हम सभी को इसको यहाँ पे एक स्टोन देके चारों तरफ इसको कनेक्ट कर लेना है कुछ, सॉरी, इस तरीके से। सो ओके गाइस, अब इतना होने के बाद अब आप सभी लोगों को एक काम करना है, इस बीच में ये जो चीज़ है इसको भी तोड़ देना है पूरा। सो ओके गाइस, ये टूटने के बाद अभी हम लोग को इसको लाइट अप करना है, इसलिए आप यहाँ डर्ट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि डर्ट हमें काम आएगा बाद में आसानी से तोड़ने के लिए, क्योंकि वाटर में और कोई ब्लॉक इजीली टूटेगा नहीं जितना अच्छे से अपना ये डर्ट टूटेगा। इस डर्ट को जल्दी जल्दी चारों तरफ कवर कर लेना है और ये बीच में से पानी अभी आपको निकाल देना है, वरना ये लाइट अप नहीं हो पाएगा।
ओके गाइस, इस तरीके से पूरा कवर करने के बाद आप सभी लोगों को चारों तरफ से कुछ इस तरीके से इसको भी कवर कर देना है। और ट्राई कीजिए क्या गा कि कम से कम ब्लॉक यूज़ हो, क्योंकि अगर ज़्यादा ब्लॉक हुआ तो फिर इसको तोड़ने में बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ये पानी वाला काम है और यहाँ पे बहुत मुश्किल हो सकता है। पानी में बहुत बैलेंस करना मुश्किल है। ओके गाइस, इतना होने के बाद अब यहाँ से एक ब्लॉक आपको ऊपर जाना है वेरी सॉरी, यहाँ पे एक ब्लॉक लगाना है और उसके बाद ये पीछे को 8 ब्लॉक खींचना है। ऐसे ही चारों तरफ आपको 8 8 ब्लॉक्स खींचना है, कुछ इस तरीके से। उसके बाद ये सबको एक कनेक्ट करके इस तरीके से पूरे इस एरिया को फिलअप कर देना है। उसके बाद आप सभी लोग उनको यहाँ पे ग्लास लेना है और ग्लास को कुछ इस तरीके से लगा देना है और ये ग्लास का एक बॉर्डर लाइन बना देना चारों तरफ कुछ इस तरीके से। और इन चारों कॉर्नर पे जैसे हम उस कॉर्नर पे बनाया है उसी तरह चारों कॉर्नर पे ऐसे बना देना है। आप कोई भी ग्लास ले सकते हो, मैंने नॉर्मल ग्लास लिया है। ये होने के बाद अब हम सभी लोगों को इसको ब्रेक कर देना है जिससे कि हम इसको लाइट अप कर सकें। कुछ इस तरीके से आप सभी लोग उनको इसको ऐसे खाली कर देना है और उसके बाद इस चारों तरफ को कुछ इस तरीके से लाइट अप कर देना है। ओके गाइस, उसके बाद आप सभी लोगों को इस जगह पे चारों तरफ पहले पानी डाल लेना है जहाँ पे हम लोग एक कॉर्नर बनाए थे ऊपर में, जिससे कि पानी पोर्टल की तरफ फ्लो करने लग जाए। अब उसके बाद ऐसा बनाना है कि पानी सिर्फ पोर्टल की तरफ ही फ्लो करे और पानी का कहीं भी इन्फिनाइट सोर्स ना बने। आप देख सकते हैं गैस, जैसा कि चारों तरफ अब पोर्टल की तरफ पानी जाने लगा है। अब हमें इस डर्ट के प्लेटफॉर्म को तोड़ देना है। ओके गाइस, इस तरीके से चारों तरफ से खाली कर देना और ये बीच में से भी कुछ इस तरीके से, सॉरी वो नीचे का टूट गया बट उसको बाद में भर देंगे हम लोग।
इसको आराम से होटल के अंदर बिना घुसे हुए वाले भर देना है, आई थिंक सॉरी तोड़ देना है। अब पोर्टल के उस तरफ जाके हम लोग को बेसिकली एक क्लीन चैम्बर बनाना है, जहाँ पे भी वो देखो यहाँ पे अपने को फूड का भी कमी नहीं होगा। ये देखो अभी से यहाँ पे फिश आके ये करने लगे हैं। कोई नहीं, अब हम लोग अच्छे से एक चैम्बर बना लेते हैं। पहले दोनों तरफ कवर कर लेते हैं जिससे कि कोई बाहर ना जा सके। ये सबको कवर कर लेते हैं। बेसिकली हम लोग को नीचे एक अच्छा सा अंडरग्राउंड किलिंग चेम्बर बनाना है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से। कुछ इस तरीके से एक चैम्बर बनाना है और चारों तरफ से कुछ ऐसे कवर कर देना है जिससे कि जो भी आए बाहर ना जा पाए। कुछ इस तरीके से उसके बाद नीचे जाके पहले कुछ इस जगह पे चेस्ट लगा देना ऐसे, और उसके बाद यहाँ पे इस चेस्ट में हॉपर्स कनेक्ट कर देना है। कुछ इस तरीके से उसके बाद इन सभी चेस्ट के सॉरी हॉपर्स के ऊपर कैंप फायर लगा देना है कुछ इस तरीके से, और इस जगह को कुछ ऐसे कवर कर देना है, क्योंकि अगर वो सब बाहर चले आए तो फिर प्रॉब्लम है। बाद अभी तो हमारे पास पोर्टल नहीं है, मैं यही पोर्टल यूज़ कर रहा हूँ कुछ टाइम के लिए। अगर आप बनाएंगे तो और एक पोर्टल बना लेंगे। तो ये देखो हम आ चुके हैं। अब हमें आखिरी और एक फाइनल काम करना है जो कि है वो भी ये टेंपल के नीचे। इसलिए मैं बोला था कि ये सब चीज़ हमें क्लियर करना पड़ेगा जिससे कि हम लोग इसको लगा सकते हैं। सोके गाइस, ये सब ऐसे साफ़ करके उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे ऐसे सोल्ट सैंड लगा देना है जिससे कि ये जितना भी यहाँ पे गार्डियन स्पॉन होंगे वो सबको ऊपर ले जाए हमारे पोर्टल की ओर। और आपको कम से कम ये फ्रंट पार्ट तक पूरा भरना है, पूरा का पूरा, और इस साइड से यहाँ तक हम लोग को कुछ यहाँ तक हम लोग को भरना है। सो मैं जल्द से जल्द इसको फिलअप करता हूँ और फिर आप लोगों से मिलता हूँ और दिखाता हूँ कि ये कैसा दिखता है।
सो ओके गाइस, मैंने इसको एक लेवल नीचे कर दिया है, जिससे कि मतलब थोड़ा सा अगर कभी कभार ड्राउन भी या कुछ भी ऊपर आ गया तो अच्छे से जा सके। और उस लेवल पे मैं जो बनाया था वो भी सही है, कुछ गलत नहीं है, आप उसको भी बना सकते हैं। सो लेट्स गो, आगे चलते हैं और उसके बाद नीचे का पूरा भरते हैं और फिर आप लोगों को मैं दिखाता हूँ ये कैसे काम करता है। ये देखो गाइज, मैं इसीलिए इसको छोटा किया, मतलब वन स्टेप डाउन किया, क्योंकि ऐसे ही गार्डियन आके धीरे धीरे फंसते जाएंगे, और अगर मैं उसको थोड़ा सा ऊपर कर दिया तो गार्डियन अच्छे से अंदर भी नहीं जाएंगे। और आपको अंदर से भी कुछ इस तरीके से करना है, आप जैसे कि देख सकते हैं अंदर से भी गार्डियन जाना शुरू हो चुके हैं, अभी तो हम लोग AFK भी नहीं हुए हैं। और इस चीज़ से आपको अनलिमिटेड, आप लोगों को फूड का भी कमी नहीं होगा क्योंकि कुक्ड फिश मिलेगी। तो ओके गाइज, ऑल डन, ये हो गया है और चारों तरफ से मैंने सोल सैंड से घेर दिया है। बट अभी हम लोग को एक चीज़ करना है, जिससे कि अंदर जो गार्डियन स्पॉन होंगे उसको हम अच्छे से अंदर वो लोग जा पाएँ। तो इसके लिए हम लोग को यहाँ पे एक स्टोन प्लेस करना पड़ेगा। वेट, मेरे को नीचे जाने दो, संभल के काम करना पड़ेगा वरना कुछ भी हो सकता। ये हो गया, यहाँ पे हम लोग को पानी डालना है थोड़ा ऊपर जाके, क्योंकि हम लोग को पोर्टल के अंदर नहीं जाना है। अरे ये पानी बीच में क्यों अटक गया? वेरी गुड, लाइक दिस, ऐसे जिससे कि ये लोग उधर कुछ इस तरीके से, जैसे कि आप देख सकते हैं ये जा रहे हैं। इसको पहले तोड़ देते हैं। ये देखो गाइस, ये फुल ऑन ऐसे हो चुके हैं। ये देखो गाइस, ऑल डन। हम लोग को कुछ ऐसे करना है जैसे कि कोई एक भी पोर्टल से ये जितने भी गार्डियन यहाँ स्पॉन होंगे वो सब चले जाएं। ओके लेट्स गो, ये हो गया। अब हम लोग को एक AFK स्पॉट बनाना है। सो लेट्स गो, जल्द से जल्द चलते हैं और एक AFK स्पॉट बनाते हैं। सो ओके गाइस, कुछ इस तरीके से आप लोग उनको यहाँ स्कैफोल्डिंग ले लेना है, और फिर आपको और एक चीज़, अपना कोऑर्डिनेट्स ऑन कर लेना है, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे चले जाना है, फिर डालते जाना है और 120 ब्लॉक्स तक इसको डाल लेना है। फिर अब हम ऊपर चलते हैं जहाँ पे 120 ब्लॉक्स को वॉकिंग चेक करने के लिए। लेट्स गो। और या गाइस, मैं अभी देखने जाने के लिए एक ही पोर्टल यूज़ कर रहा हूँ, बट आप लोग थोड़ा सा दूर कहीं लैंड पे जाके, तो आप लोग दूर जाके और एक पोर्टल बना के चले जाइएगा दूसरे पोर्टल से, और एक पोर्टल बना के। सो लेट्स गो, ये 123 हो चुका है, तो इसको थोड़ा सा हल्का सा छोटा करना पड़ेगा हम लोग को, कुछ इस तरीके से। ओके, अब यहाँ हम लोग को एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा। सो ओके गाइस, कुछ इस तरीके से आप सभी लोगों को बना लेना, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से, एक मिनट, ऐसे डोर ला के आपको चारों तरफ ऐसे बना लेना है। और आपको ऊपर से कुछ इस तरीके से एक स्लैब लगा लेना है। और फिर आपको AFK हो जाना है। एंड लेट्स सी, अब 10 मिनट्स तक AFK के कितना मिनट्स तक होते हैं, और फिर देखते हैं कितना जमा हुआ है। ये देख सकते हैं आप गाइज, इस चीज़ के लिए ड्राउन बेस में जा रहे हैं, जिससे कि हम लोग ड्राउन से भी कुछ पा सकते हैं। कुछ मतलब, अगर ट्राइडेंट वाले ड्राउन आ गए तो उससे भी हम लोग पा सकते हैं, ट्राइडेंट
ट्राइडेंट। तो ओके गाइस आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, मेरे को थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा, ये ट्राइडेंट वाले ज़ॉम्बी कुछ ज़्यादा यहाँ लगा रहे हैं। देखिए देख ले सकते हैं गाइस, ऐसे कुछ अपने एल्डर गार्डियन स्पॉन होते रहेंगे और अंदर जाते रहेंगे। मैं तब से यहीं पे खड़ा हूँ सर्वाइवल मोड करके, क्योंकि बिना सर्वाइवल मोड के ये जाएंगे नहीं। सो ये देख सकते हैं माइनिंग फटीग 3 लग चुका है मेरे को। सो इसको जाने देते हैं, फिर हम लोग जाके चेक करेंगे कि कितना। मैं 10 मिनट से तब से खड़ा हूँ यहाँ पे, एक दिन बीत के ये रात हो चुका है और बारिश होना भी शुरू हो गया है। इसको जाने दो, ये देखो चला गया, लेट्स गो। अब हम चलते हैं। सो ओके गाइस ये देख सकते हैं जैसे ट्राइडेंट वाला ज़ॉम्बी भी इधर आ चुका है, लेट्स गो। हम लोग जाके चेक करते हैं अभी। ओके सो गाइज मैं ये जगह इसलिए रखा हूँ क्योंकि मैं जा सकूँ इस सीट में, वरना आप लोग हिसाब करके एक जगह पे बना के दूसरा पोर्टल से आप एंटर कर सकते हैं। सो लेट्स चेक गाइज 10 मिनट में अपना कितना हो चुका है। ओ भाई साहब, आप प्रिज्मेरियन शार्ट्स भी देख सकते हैं, प्रिज्मेरियन क्रिस्टल भी देख सकते हैं। इससे हमें ना फूड की कमी होगी, ना बोन्स की कमी होगी, और ये देखो ट्राइडेंट से हमें नॉटलस सेल भी मिल रहा है। सो लेट्स गो, अच्छी बात है गाइस। तब से हम लोग बैठे हैं और इतना सारा आ चुके हैं, मतलब बहुत अच्छा बात है। लेट्स गो चलते हैं उस तरफ और चेक करते हैं कि कैसा क्या चल रहा है, और हो सके तो गाइस जितना भी शायद साइड में सब कोई स्पॉन हो रहे होंगे बनाने के बाद, जितने भी स्पॉन हो रहे होंगे वो सबको मार दीजिएगा, जिससे कि नए स्पॉन होकर उसी जगह पे आए। तो ओके गाइस हम लोग को इस फार्म से आप लोगों को एक अनलिमिटेड प्रिज्मरीन शार्ड्स एंड प्रिज्मरीन क्रिस्टल्स मिल सकते हैं, जिससे आप एक अपना होम डेकोर के लिए यूज़ कर सकते हैं, और लैंटर्न और प्रिज्मरीन ब्लॉक्स बना के, और इससे आप अपना जब आप बनाएंगे, यार वो क्या बोलते हैं यार, हम भी भूल जाते हैं, हार्ट ऑफ द सी यूज़ करके कॉन्डुइट बना सकते हैं। या गाइस आप इससे कॉन्डुइट को भी अपना डेकोर कर सकते हैं, और इससे आपको अनलिमिटेड फूड बोन सब कुछ मिलेगा, और बोन से आप यहाँ पे अपना बोन मील बना सकते हैं, जिससे कि अपना क्रॉप और ट्रीज उगाने में भी काम आएगा, एंड मैनी मोर थिंग्स गाइस। सो आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, इंजॉयड दिस वीडियो, एंड अगर आपको गाइज अपने सर्वाइवल वर्ल्ड में और कुछ भी बिल्ड्स बनाने हैं, रेड स्टोन बिल्ड्स, फार्म्स, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लाइक करो इस चैनल को, सब्सक्राइब करो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। सो लेट्स होप गाइज 1K सब्सक्राइबर का टारगेट लगा रहा है तुम्हारा भाई, प्लीज़ इसको कंप्लीट कर दो। सो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अरे अरे चलो चलो, रात हो गया, जल्दी सोने चलते हैं।